परम प्राचार्य आदि साधक महिला साधक विमान साधक सर्वत्र से गुरुदेव की परम पुज्य प्रातस्पन्न बाल ब्रह्मचारी आजीवन अन्य सत्संग इस राज्य संभव साधक गुरुदेव की जय समय क्षेत्र की जय चीन कुर्त महामन्वराज की जय अन्य चित कृतम पापम तीर्थ से विनषति तीर्थ कृतम पापम वजिपो भविष्य अपने गांव में शहर में नगर में फैक्ट्री में दुकान में जो आपने कर्म बंद किया है पाप कर्म को बंद किया है वो कर्म पुण्य स्थान में तीर्थ स्थान में सिद्ध क्षेत्र में अतिश क्षेत्र में शांति के स्थान में धुल जाता है जो यहाँ जो कर्म करता है वह कर्म वजलेपो भविष्य जिस प्रकार मारोल की प्रतिमा होती है थोड़ा सा यहाँ से नीचे गिरा उसका हाथ टूट गया वो मूर्ति को आप क्या करते हैं पुनः उसको वर्जलेप करके उसको चिपका देते हैं है ना? उसी प्रकार फिर उस मूर्ति को यदि ऊपर से नीचे भी गिर जाए फिर भी वो रिलेप छुटता नहीं है दूसरा हाथ टूट जाएगा परंतु वह रिलेप खुलने वाला नहीं है वैसे ही पुण्य स्थान में ये कर्म का बंद होता है ये कर्म ऐसा बंद होता है व्रज लेपो भविष्य ही व्रद्रेप हो जाता है जैसे अभी तीर्थ स्त्र में आए हैं क्यों आए बड़े बड़े महापुरुष भी भूमि पर आए हैं उन्होंने क्या किया सिद्धि को प्राप्त किया आठों कर्म दीक्षा लिया मुनि बना तपस्या किया और यहाँ से आठों कर्मेश करें सिद्धि को प्राप्त किया आप लोग भी इस क्षेत्र में आने से आपको भी अपने जीवन में कम से कम त्याग संयम को अपनाना चाहिए ये भोग का स्थान नहीं है ये त्याग संयम का स्थान है तीर्थ क्षेत्र को हमने आज के पब्लिक के अनुसार इस क्षेत्र को भोग का स्थान बनाया क्षेत्रों में भी शादी करते हैं क्षेत्र में बाईस बक्ष का सेवन करते हैं रात में खाते पीते हैं क्षेत्र में भी फिर यहाँ कर्म तुम्हारा जो बंद हुआ है वो कहाँ जाएगा कर्म वो भविष्यति, और कर्म तुम्हारा बंद का कारण बन जाएगा इसलिए कहते हैं जब मंदिर में जाते हो तो क्या बोलना चाहिए भगवान निश्चय 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 निश्चयी शब्द तो बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करना चाहिए निश्चय का अर्थ क्या है यह नहीं है कि देवता लोग हट जाओ हमें दर्शन करने दो ये अर्थ नहीं है निश्चय का अर्थ निक को हम जलाना नाम निशंक होकर के मैं निःसंक और मैं परिघर त्याग करके प्रमाद को त्याग कर मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ पंद्रह प्रमाद होते हैं आचार्य ने कहा है कि प्रमत युगा प्राण व्यापरण हिंसा मन वचन के प्रमाद शहीद है तो हिंसा है चाहे हिंसा वहां पाप का बंद होता है इसलिए कहते हैं प्रमाद छोड़ करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए यदि एक भी प्रमाद रहा तो पाप का बंद होगा पंदा प्रमाद कौन से बोलो भाई पंदा प्रमाद पांच इंद्रिय भोग कितने इंद्रिय तुम्हारे पास भाई साहब कितनी इंद्रिय है पांच इंद्री, इंद्री। कौन कौन सी स्पर्शन रचना ग्रहण चक्षुर कर्ण ये पांच इंद्रिय है पांच इंद्रिय में विषय कितने अविस्पर्शन का आठ विषय है कौन सा हल्का भारी कड़ा नरम रोखा चिकना ठंडा गरम ये स्पर्शन का आठ विषय है और रचना का पांच है कौन सा खट्टा मीठा चरपरा कसाला कड़वा ये पांच विषय किसका है रचना का और घ्राण का दो है सुगंध और दुर्गंध है ना और का पांच है कौन सा हरा नीला काला पीला सफेद पांच वर्ण है ये का विषय है और कर्ण का कितना है सात कर्ण का कितना है सात कौन सा सरी गामा पद कितना हो गया सात स्वर हैं ये सात स्वर भी किसका विषय इंद्रिका कर्ण इंद्र का विषय है टोटल कितना हो गया सत्ताईस सत्ताईस है और इस विषय में तुमको ले जाने वाला कौन है कौन ले जाएगा मन ले जाएगा मन ही मनुष्य कारण मन बंध मोक्षो मन ही मनुष्य के बंद का कारण होता है इसलिए मन को जोड़ दो तो कितना हो गया 28 ये 28 विषय भार में छोड़ के आओ तब तुमको पुण्य होगा और चार कसाय क्रोध मान माया लोभ मंदिर में आप कसाय करते हो नहीं करते हो करते हो ना हाँ क्यों यहाँ तुम्हारे भगवान तो बोलने वाले नहीं है इसलिए अपने मनमानी कर लेते हो एक व्यक्ति आता है भगवान का अभिषेक कर रहा है दूध का अभिषेक कर रहा है रस का अभिषेक कर रहा है और वो आगे अरे एक काहे कर रहा है ये क्या कर रहा है, है? नहीं करना चाहिए उसने करों बंद कर लिया जिसने पुण्य बंद किया उसने कर्म बंद किया आप मंदिर में तो आते हो कर्म बंद करने आते हो कर्म छोड़ने आते हो पर तो यहाँ कर्म बंद करते हो इसलिए यहाँ दूसरे को देख के कसाय परिणाम करते हैं मंदिर में जाते हो तो मी कोने से मजे कोने नहीं हैं ये भाव मंदिर में लेके आने का समझे? तो भगवान के सामने भगवान के सामने क्या बोलना यहाँ कसाय परिणाम नहीं होने देना क्रोध मान माया लोभ आज समाज मंदिर में भी मीटिंग करते हैं वहाँ भी कसाय परिणाम करते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं परंतु तो वहाँ कर्म का बंद हो रहा है ध्यान रख लेना यहाँ निकाचित कर्म का बंद होगा यहाँ जो कर्म बंद हो गया कहीं छुटने वाला नहीं है कर्म तो स्वयं को भोगना पड़ेगा आप बोलोगे मेरे पत्नी ले लेगी ले या मेरा बेटा ले लेगा ले। ये जैन धर्म नहीं कहता है स्वयं तो स्वयं किया है स्वयं को भोगना पड़ेगा तुम कपड़ा बाटोगे रोटी बांटोगे खाना बांटोगे पैसा बांटोगे सोना चंद बांटोगे जमीन बांटोगे हैं तो कर्म नहीं बांट सकते हो कर्म तुमने जो किया है तुमको ही भोगना पड़ेगा समझे इसलिए कर्म स्वयं का किया हुआ है स्वयं को भोगना पड़ेगा कोई भी आपको कब कर, आपके कर्म से मुक्त नहीं कर सकता है ये चयन धर्म कहता है इसलिए कहते हैं मन करें जैसा कर्म इसलिए पंद्रह प्रमा पाँच बाईस अभिक्स गया पाँच इंद्रिभोग चार कसाय क्रोधमान माया लोभ और चार विकता, स्त्री कथा कथा देश कथा भोजन कथा ये चार विकता है इसका चर्चा मंदिर में नहीं करना सुकथा करो आक्षेपिणी विक्षेपिणी निर्वेदनी सर्वेजनी ये चार सुकथाएँ और चार विकथाएँ चार विकता नहीं करना सुकथा करना समझे तो पुण्य होगा और निद्रा मंदिर में सोना नहीं नींद आती है भाग जाके सो के आओ तो मंदिर में सोना पाप है है और स्नेह राग नहीं करना मंदिर में राग करते नहीं करते बोलो ना हाँ किसका राग करते हो अपने पति का राग अपने बेटे का राग अपने मम्मी का राग अपनी चाची का राग दादी का राग पोते का राग पोर पोते का राग ये अप्रशस्त राग है आप प्रशस्त राग करोगे पाप का बंद होगा ध्यान रख मंदिर के अंदर में परंतु तो या राग करो प्रशस्त राग करो किसका मित्राग देव निग्रंथ गुरु सिद्धांत शास्त्र और दयामूल धर्म इनका राग रागे पुण्य बंद होगा और इनका राग करो तो पाप का बंद होगा इसलिए प्राग राग में फर्क है पुण्य पुण्य फर्क है समझे इसलिए पुण्य करो कौन सा पुण्य दो प्रकार का है एक पुण्य संसार में भटकाता है एक पुण्य संसार से पार कर लेता है समझे इसलिए राग करते हो समझे राग अप्रशस्त राग नहीं होना यहाँ प्रशस्त राग होना है हैं? बोलते पुण्य भी है है और पाप भी है, है। क्या बोलते हैं पुण्य भी है पाप भी है अरे पाप है है पुण्य है है, कैसे पुण्य कैसे बोलोगे भैया है बिना पुण्य के पाप होगा क्या बिना पाप के पुण्य होगा क्या पाप करोगे तभी पुण्य करोगे और फु पुण्य करोगे फिर फिर पाप करोगे है इसलिए पुण्य कार्य करना पुण्य छोड़ना नहीं है पुण्य छोड़ना ही है तो दो प्रकार का पुण्य है कौन सा एक साथी से पुण्य एक नृत्य से पुण्य सात से पुण्य सम्य दृष्टि का और नृत्य से पुण्य मिथ्या दृष्टि का है समझे तुम सम्य दृष्टि हो तो भगवान ये भक्ति कर रहे हो पूजा करने हो दर्शन करने आए हो तो क्या बोल दोगे दर्शनम दर्शनम दर्शन देवी दशी पापा दर्शनम सर्व साम दर्शन साधनम है ना ये बोलते हो ना ये दर्शन से भगवान दर्शन से हमारे जो अंकाशी कर्म है वो भी नष्ट हो जाए ये भाव बोल के भगवान भक्ति कर रहे हो पर इससे क्या बोलोगे भगवान मैं आपके कुछ नहीं मांगता हूँ ऐसा हो सकता है क्या आप भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं? क्या मांगते हो भगवान मेरा कोरट के समय जीता हूँ मेरा बच्चा नहीं हो बच्चा हो जाए मेरा बच्चा पढ़ता नहीं हो बच्चे पढ़ो हमसे हो जाए मेरा व्यापार नहीं चाहे व्यापार हो जाए इसलिए तुम भगवान के मंदिर में आए बता भगवान से मांग रहे हो है परंतु ये भागना अंगना तुम्हारा संसार का ही कारण है वो भक्ति किया वो भक्ति से तुम पुण्य हुआ और पुण्य से तुम्हारा संसार का काम तो हो गया परंतु जो पुण्य काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है तुमने संसार की सामाजिक संस्कार मिल गया वो संसार का पुण्य का कारण संसार का कारण बन गया परंतु भगवान की भक्ति क्या भगवान क्या मांगना भगवान मैं आपके क्या मांगता हूँ मेरा कसाय का समन हो इंद्र का दमन हो अंत समाधि से मरण हो और कुछ नहीं चाहिए क्यों भगवान के पास क्या है भगवान ने क्या किया कि दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनु सूक्ष्मत्व अवगान तो ये आठ गुण ने प्राप्त कर लिया है पर भगवान से ये गुण नहीं मांग रहे भगवान से संसार के सामने मांग रहे हो तो संसार में डूब जाओगे संसार पड़े रहोगे भगवान से मांगना भगवान मृत मंचे में अंचे में पूज्य भी मंदाय नमस्मी दुख को कम को बोला हो सुखी गणम समाय संपत्ति हो मध्यम भगवान मैं संसार में दुखी हूँ मैं कर्म से दुखी हूँ मुझे सब में ज्ञान की प्राप्ति हो रक्त की प्राप्ति हो सदगी प्राप्ति हो अंत में समाधि से मरण हो आचार्य समोसाई गुरुदेव की जय